सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और इस थीम पर डिपेंड हमने कुछ डाउट भी सोल्व किए थे। हमने अकॉर्डिंग टू मी हम चार सवाल कर चुके थे। सवाल संख्या पाँचों की बात करते स्टूडेंट्स, आप देखें तो यहाँ पर गिवन है हमें त्रिभुज एबीसी में डाउट हमारा जो है फिफ्थ त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है और बीडी कर्ण एसी पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज जो है हमारी वो 11.4 है। डाउट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी वाला से समकोण है और इस समकोण से कर्ण एसी पर लंब बीडी डाला गया है। हमें सिद्ध करना है, गिवन आपको मिल गया, मैं सीधा यहां ले चलता हूं कि आपको क्या सिद्ध करना है और प्रूफ क्या हो सकते हैं इसके। वो है स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल एडीबी सिमिलर होगा बीडीसी। मैं स्टूडेंट आपके लिए प्रूफ यहां लिखता हूं कि त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज बीडीसी में तुलना करने पर, क्या तुलना कर रहे हो आप, एंगल एडीबी इज इक्वल एंगल बीडीसी, दोनों समकोण ईच 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट आप कहेंगे स्टूडेंट्स की एंगल जो बी 90 का है, मैं डायरेक्टली यू कहूं ये वाला एंगल इससे इक्वल होता है, ये वाला इससे इक्वल होता है, तो थोड़ी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा इसको और डीपली ले चलता हूं मैं, उसको देखिए आप यहां पर क्या रूल और रेगुलेशन यहां पर अप्लाई होते हैं। मैं यहां पर ए बी बी लिया और मैं यहां ट्रायंगल ए बी सी ले लेता हूं। आपको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने चेंज किया है। तो ए डी बी का ए डी बी कोण और ए बी सी का एबीसी वाला कोण 90। ए दोनों में कॉमन है, ए ट्रायंगल एबीसी में भी काम में आ रहा है और एडीबी में भी काम में आ रहा है। यहां हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये कॉमन एंगल है। आप देखो आता है कोण कोण समरूपता
एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। आप स्टूडेंट्स जरा देखिए, बाई एंगल बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के राइट पार्ट ट्रायंगल एबीसी है, तो जब दो इक्वेशन के एक एक पार्ट इक्वल होते हैं तो रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, इट्स योर आंसर। ये ही आपको पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो देखिए डाउट नंबर 6, अब मैं गिवन क्या है वो देखने लिखूंगा, क्योंकि गिवन आपको बुक में मिलेगा एसिड, उसको आप अच्छे तरह से देखेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, डाउट नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच ऑन द एनी साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द एनी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम देख रहे थे कि हमारा चैप्टर नंबर 11th सिमिलरिटी जो चल रहा था उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से ये सब टॉपिक एक्सप्लेन किए थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ डाउट नंबर 6। डाउट ये कहता है कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के किसी विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे हमारे डाउट नंबर 6 की, और डाउट नंबर 6 में ये है हमारे पास में कि एक स्क्वायर एक वर्ग की एक भुजा पर बने एक समबाहु त्रिभुज यहां बना हुआ है, तीनों साइड्स की इक्वल है, इसको मैं एबीसी नाम देता हूं, यहां इस पूरे स्क्वायर को ए बी सी डी नाम देते हैं, और ये पी है, और दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है इसके विकर्ण की। समझ में आ गई? हमें गिवन तो ये था स्टूडेंट कि ए बी सी डी एक वर्ग है तथा त्रिभुज पी ए बी व त्रिभुज क्यू डी बी क्रमशः है एक भुजा व एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज है, इतना हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए कि एरिया ऑफ पी ए बी इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्यू डी बी। ओके, हमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है।
समकोण त्रिभुज बी सी डी से बी डी इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। बी सी एंड सी डी बोथ आर इक्वल टू ए देन डायगनल बी डी बिकम रूट ऑफ टू ए स्क्वायर एंड रूट टू ए। ये बी डी की लंबाई। आप यहां कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज पी ए बी तथा त्रिभुज क्यू डी बी दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो एरिया ऑफ पी ए बी बाय एरिया ऑफ क्यू डी बी इज इक्वल यहां पर तो ट्रायंगल ए पी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू डी बी क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, प्रत्येक वर्ग परस्पर समरूप होते हैं, प्रत्येक आयत परस्पर समरूप होते हैं, प्रत्येक वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। तो यहां लिखा जाएगा दो समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये नीचे मैंने लाइन लिखा वो आपको दिख नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं इसे आगे लिखता हूं। यहां देखिए ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर सकता हूं आप चाहो तो। पहले समझा दूं, इसका एरिया निकालूंगा तो साइड मैंने ए बी ली है तो इसका निकालते वक्त मैं ये डी बी साइड लूंगा इसकी जो वर्ग का एक त्रिकोण है। आइए तब मैं यहां लिखूंगा तब एरिया ऑफ पी ए डी बाय एरिया ऑफ क्यू डी बी is equal AB by BB का होल स्क्वायर। समझ में इतनी बात? आप देखिए इधर हमारे पास AB, AB साइड की एक भुजा थी वर्ग की जो A के बराबर थी और BD या DB हमने निकाल रखा है रूट टू ए, ए बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर। ए से कैंसिल हो गया, वन बाई रूट टू बचा, स्क्वायर करने पर वन बाई टू। इधर हमारे पास एरिया ऑफ पी ए बी ऊपर वाला रह जाएगा, ये भाग में था कहां चला गया गुणा में एरिया ऑफ क्यू डी बी। ये क्यू डी बी और पी ए बी में ये रिलेशन है, आपने डायग्राम में देखा होगा, रिमाइंड करके देखना कि QDB एक डायगनल पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है और PAB उसकी एक भुजा पर बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हुआ हमारा डाउट नंबर 6 और इस प्रकार हमारा 11.4 कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज। 11th मिसलेनियस की मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे सवाल ढंग से बैठ के देखें, समझें, हल करें। मात्र 14 डाउट हैं, आपको सारे आ सकते हैं, कहीं भी एरर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी यदि कोई सवाल आपको नहीं आता है, कोई सवाल डाउट करता है या किसी
सवाल में आपको डाउट है तो आप जरूर से मुझे कॉल करिए, मैं 100% आपकी इसमें हेल्प करूंगा। स्टूडेंट्स जरा देखिए, यहाँ पर दो छोटे छोटे सवाल ही पड़े हैं। मैं लास्ट यानी 14th नंबर के डाउट की भी बात करता हूँ कि यहाँ दो ट्राइंगल दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बात जब मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम का नाम था एरिया साइड रेशियो, क्षेत्रफल भुजा के बीच में जो संबंध था वो जो प्रमेय पढ़ाई थी उसी के अनुरूप अभी मैं आपको एक सवाल पढ़ा रहा हूँ जो विविध प्रश्नमाला में है। वो कह रहा है कि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स, ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 और 4:9 है हाइट्स का रेशियो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनके ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चारों में एक ही रिलेशन होता है। तो यहाँ हमें ऊंचाइयाँ दी गई है, हाइट दी गई है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो 16:81 यानी 16/81 लिखते हो या 16:81 लिखते हो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा 11th चैप्टर मेरी ओर से 100% कंप्लीट है। किसी को डाउट हो कॉल करें, समझें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, एग्जाम्पल देखें और होमवर्क 100%